मैं तेरे को बताता हूँ। देख, वी गाइज एज ऑर्गेनाइज द कार मीट एंड थिंग्स, है ना। और हमारा छोटा मोटा क्रू है, और जो हम लोगों ने शुरू किया है उसके बारे में तो मैं बता देता हूँ। इट्स लाइक डेड लॉक्स रेसिंग क्रू, DLRC। यप, आई गेट इट। मतलब उसके जो डार्क चैट है उस पर मैं ज्वाइंट हूँ वैसे है तो। ना। तो हम लोग ये सारी चीज़ें मैनेज वैनेज करते हैं, लाइक रिक्की देखता है सब ओके चीज़ों का, ओके और अगर उसके अलावा और बाकी सब कुछ होता है तो मैं मैनेज करता हूँ। वेन मैनेज करता है और रे मैनेज करता है, ठीक है। ओके तो ओके तू बता, अब तू जो बोल रहा था कि लाइक कुछ फाइनेंशियल या कुछ मदद चाहिए, स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो बता तेरी तरफ से तू क्या सोच रहा है, लाइक व्हाट प्लान्स यू हैव। क्योंकि तेरे को भी पता है देखो, हमें तो ज़रूरत पड़ेगी एक मैकेनिक बिल्कुल शॉप की, बिल्कुल। और हमने इसके लिए अप्लाई भी किया था। बट तेरे को पता, वी आर इन टू सम स्टफ जहाँ पे, और हमारा बैकग्राउंड भी वैसा है कि हमको नहीं मिलेगा वो सब, है ना। जी, समझ गया आपकी बात। तो बेसिकली मेरा वही है कि देखो यार, आपको भी बताया, आई वांट कि मेरा बिजनेस चलता रहे, प्लस उसके साथ साथ जो जिन लोगों से मेरे अच्छे टर्म्स हैं, राइट, तो उनकी साइड से भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड होते रहे। अब ऑब्वियसली ऑन द रिकॉर्ड तो मैं नहीं देख बोल सकता कि हाँ भी मैं रेसिंग वगैरह हमारी साइड से होती है ना, तो ऑब्वियस। वो सब मैनेज आप लोग करो, ठीक है। मैं दो बंदे ऐसे हायर करूंगा जो PRT टीम होगी मेरी, पब्लिक रिलेशनशिप टीम, ठीक है, वो साइड बाय साइड आप लोगों के वर्क करेगी। तो जैसे लाइक लेट्स से कि अब विद इन अ वीक, लाइक वीकेंड पे जब लाइक सिटी में ज़्यादा ही भीड़ होती है, ठीक है, तो लाइक जो वीकेंड पे कुछ बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करा के, ठीक है, बिकॉज देखो द मोर कस्टमर्स, जितना आप लोग वहाँ पे हमारी हारमोनी शॉप को प्रमोट करोगे उतना ही ज़्यादा कस्टमर आएंगे, प्लस उतना ही ज़्यादा बिग प्राइस पूल के साथ हम लोग कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को जो विनिंग कॉन्टेस्टेंट जितने भी लोग हैं, मतलब जो विनिंग रेसर्स हैं, उनको कितना देना और हमें मतलब अपना कट कितना हमको रखना हमारे क्रू का कट कितना रखना है, राइट। है। एग्जैक्टली सही, ये सही है। और उसमें एक और चीज़ ये भी है कि लाइक आर यू गाइस इनटू लाइक रिपेयर किट वगैरह जो लाइक हम लोगों को काम आए। हाँ, बी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ, हमें आज ये बताया गया कि हम लोग का हो गया, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ साइन हो गए हैं, ठीक है। बट अभी उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे को सब जाके चीज़ें चेक करनी है कि कैसे कैसे मेरे को पार्ट्स बनाने हैं, कहाँ से इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्टर वगैरह सब कुछ अभी आई हैव टू सी। मैंने बस शॉप, उन्होंने शॉप दिखाई है कि ये आपकी ये वाली हार्मनी शॉप, वो तो ऑलरेडी लाइक मैंने देखी हुई थी, विद इन ज़्यादा टू कुछ होना डेज चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो ही जाएगा। बराबर। हाँ तो देख, मेरी तरफ से एक कंसर्न ये है कि लाइक मेरे को बस ये पूछना है कि अगर हम लोगों का क्रू है तो आर यू गोइंग सेम विद अदर क्रूज, या फिर ये हम दोनों के बीच में ही रहेगा। ये जो चीज है हमारे बीच में ही है, बिकॉज देखो टू बी ऑनेस्ट, लाइक जब तुम्हारा मैंने देखा था ना, बिकॉज उसके अलावा मैंने किसी का नहीं देखा ना, मैं किसी की उसमें विजिट किया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं विजिट मैंने किया था, और आई गेस कोई हाइब्रिड है जो आपको के साथ है, राइट। हाँ, हाँ, तो हमारे साथ है हाइब्रिड, एक यप, बंदा। तो हाँ, तो हाइब्रिड एंड एक साइकिक भी है आई गेस, यप, साइकिक का जो स्ट्रीट और ऑर्गेनाइजर। हाइब्रिड भी है। हाँ यप, तो उसमें हाँ कैसा है, ये सुन दोनों सुन सुन के। मैं तेरे को बता देता हूँ। लाइक वो बंदे अलग हैं और हम लोग ना बस उनके कांटेक्ट में हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये सब मतलब लाइक हैंडल करते हैं, मैनेज भी होती है चीज़ें, बट दे लाइक वो समझ रहे हैं, जैसे कि तूने बोला कि तेरा बिजनेस वगैरह है बट यू वॉन्ट कम ऑन द फ्रंट साइड, तो वो लोग भी एग्जैक्टली, थोड़ा फ्रंट साइड पे नहीं आ सकते। बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोग तो कुछ और नहीं करते, हम लोग यू गाइज आर फाइंडिंग सम जॉब्स वगैरह, वो तो देख लेंगे। बट मेरे को ये बता कि जब ये हम लोगों के लिए लाइक वो रहेगा ना, प्राइवेट राइट्स रहेगा कि मतलब हम दोनों के बिल्कुल लिए ही बिल्कुल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोई क्रू नहीं आएगा इसके अंदर, एग्जैक्टली। राइट। अभी अभी और कोई क्रू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी और फ्यूचर में भी आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्रू की तरफ से अगर तेरे को रहता है तो वो एक ये है कि 2 से 3 लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास वो जॉब हो, यू नो व्हाई, है मतलब समझ गया, ना। मतलब ठीक है, समझ गया मैं। बट एक्चुअली मैं अगर तुम्हें मैं बताऊं तो जॉब इज नॉट इन माय हैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, दो एक दो लोगों के पास तो अगर हो तो दैट विल बी फाइन। ट्राई करो अपने तो एंड से। बता सकते हो कि कौन कौन से आ सकते हैं, मतलब लोग, बिकॉज देखो वही है कि आए वही लोग आएंगे कहना जो तो लाइक स्टार्ट। उस चीज का पार्ट नहीं होंगे ना। हाँ ठीक है, फिर तो डेफिनेटली फाइन, बिकॉज देखो क्या है ना कि एक या आज से ज्यादा आई विल गो, एक तो इट्स फाइन, ठीक है, दो के लिए आई कैन ट्राई, बिकॉज जो हायरिंग है ना,
दैट इज नॉट इन माई हैंड, बिकॉज हम लोग अकेले नहीं देख रहे हैं हायरिंग, गवर्नमेंट के जो मैनेजमेंट है वो भी देख रहे हैं। करते हैं, डन है सीन। बस एक बार मेरे को सेंटियागो से बात करने दो, फिर बिल्कुल एक बार ठीक है दोबारा भाई, जब वो होगा ना तो डन। साथ में दोबारा से ये कर लेंगे। तो जो जो भी है एक बार नोट डाउन करके दोनों की साइड से वो फिर स्टार्ट करते हैं। बिकॉज चलो अभी के लिए सिर्फ मैं हायरिंग का मतलब अभी हायर लोग एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यूज होंगे है ना। तो जैसे जैसे होगा, अभी के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा लोग नहीं हायर करने के लिए बोला उन्होंने, मतलब जो ओके गवर्नमेंट की साइड से है उन्होंने बोला कि लिमिटेड नंबर ऑफ लोग, बट वो ऐसे लोग जो एक्टिव हो सिटी में रहें, कि हाँ ये नहीं है मोटल पे सो ही रहे हैं मोटल पे, या फिर सिटी में घूम रहे हैं बट वहाँ पे मैकेनिक शॉप पे नहीं है। चल कोई सीन नहीं है, डन। एक बार बात कर, कंफर्म करके बता, फिर मैं उन लोगों को आगे बताता हूँ। डन डन डन, फॉर श्योर ब्रो, फॉर श्योर। और वो भी चलो बता देंगे किनको हम रिकमेंड करेंगे, वो बता देंगे डन तुमने डन मुझे। डन डन, हाँ हाँ मतलब इतने कल तक आप लोग भी डिसाइड कर लो हाँ बता और देंगे यहाँ बिल्कुल। पे मैं भी उसे डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। चल